Hello friends, welcome to Science World. In this video, we will discuss about some topics of thermodynamics like thermodynamic systems, surrounding, thermodynamic variables, thermodynamic process and zeroth law of thermodynamics. Thermodynamic system. यदि हम किसी रीजन को एक किसी स्पेस में या फिर कोई किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को बाउंड्री से सेपरेट कर दे उसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की स्टडी के लिए, तो वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। उस बाउंड्री के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगी, जो वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगी, वो सराउंडिंग कहलाएगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। दो सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर कॉल्ड ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन, इन दिस वाटर मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम, इन दिस सिस्टम ओनली एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल सन एंड वाटर इन टैंक। आइसोलेटेड सिस्टम, इन दिस सिस्टम नाइदर एनर्जी नॉर मास एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स। नाउ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके, वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टाइम के साथ साथ वेरी करे, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के टाइप्स आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर में हो, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। ऐसी प्रोसेस में टेम्परेचर वेरी होता है लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर में हो, वो आइसोबारिक प्रोसेस कहलाती है, और जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में हो, वो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाती है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये जानना है। थर्मल इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं जब सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, देन दे विल ऑल्सो बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। लेट अस कंसिडर 3 सिस्टम ए, बी एंड सी। ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई इंसुलेटिंग वॉल एंड सी सेपरेटेड फ्रॉम ए एंड बी बाई कंडक्टिंग वॉल। सिंस सिस्टम ए इज कॉन्टेक्ट विथ सिस्टम सी विथ कंडक्टिंग वॉल, देयरफॉर ए एंड सी अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली द सिस्टम बी इज इन कॉन्टेक्ट विद द सिस्टम सी बाई अ कंडक्टिंग वॉल, दे ऑल्सो अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। Now to see that whether the system A is in thermal equilibrium with system B or not, the adiabatic wall between them is replaced by a conducting wall. It is observed that there is no change in thermodynamic state of system A and system B. This concludes that the system A is also in thermal equilibrium with the system B. This is the zeroth law of thermodynamics.